नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के सीरीज में। इसमें आज हम बात करेंगे ऑथर्स की, पोएट्स की, और उनके कुछ फेमस जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी बात करूंगा। इंडियन वीवर्स इज अ पोएम रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सरोजिनी नायडू। इंडियन वीवर्स सरोजिनी नायडू ने लिखी है। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटेम एबे इज अ पोएम कंपोज्ड बाय विच पोएट? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। किंग लियर, ये तो शेक्सपियर का फेमस है। किंग लियर हो गया, और शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामास फेमस हैं। किंग लियर, और किंग लियर के बाद मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, ये सारे जितने भी हैं। नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम सॉलिटेरी, द सॉलिटेरी रीपर, इसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। पूस की रात, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, मुंशी प्रेमचंद, झाबरा और एक किसान की कहानी, तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी है। द कास्ट वे इज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? रबीन्द्रनाथ टैगोर की है ये। द कास्ट अवे। द पोएट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये तो आपने इंटर में पढ़ा होगा, जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ नेचर पोएट? विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है। नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई? टोरू दत्त। नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट? मिल्टन। द पोएट द नेशन बिल्डर्स इज अ कंपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स? तो UPTET में आया हुआ है, और ये सारे हम लोगों ने हाई स्कूल और ट्वेल्थ में पढ़े हुए हैं। द नेशन बिल्डर्स राल्फ वाल्डो इमर्सन की है। द लेसन टॉर्च बियरर्स, ये भी आपने पढ़ी होगी एकेडमिक्स में, इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स? WM रेमबर्न। जूलियस सीजर वॉज रिटन, इसको कौन नहीं जानता होगा, विलियम शेक्सपियर। जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, सारे बहुत ही फेमस है। 14th है, हु सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन? फ्रांसिस बैकन ने ये कहा है, तो ये भी 2014 में आया हुआ है। नेम द पोएट हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाई द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये। वाई डज द गंगास सिंबलाइज अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू? इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वॉट डैमेज द क्रॉप इन लिंकॉज फील्ड? हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स, मूसलाधार जो पत्थर गिरते हैं, बारिश, हेल स्टोन। वॉट डज लोरेंजो ऑर्डर वेन ही लर्न्स दैट पोर्शिया इज ऑन हर वे टू बेलमॉन्ट? 2016 में आया हुआ है। म्यूजिक, वॉट डज लोरेंजो ऑर्डर वेन ही लर्न्स दैट पोर्शिया इज ऑन हर वे बेलमॉन्ट टू बेलमॉन्ट? म्यूजिक। इन कोर्ट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू शाइलॉक्स इंसिस्टेंस ऑन कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लैश? ही वॉज दैट ही विल मीट शाइलॉक्स हेट्रेड विद पेशेंस। अकॉर्डिंग टू लोरेंजोज प्लान हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस? UPTET 16, ये सारे 16 में आए हैं, कोई एक ही ड्रामा पकड़ा गया है और उसी से सारे उठा के डाल दिए गए हैं। शी विल डिसगाइज हर सेल्फ एज लोरेंजोज टॉर्च बियर एंड स्लिप आउट अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड। टॉर्च बियर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, एंड स्लिप आउट अनडिटेक्टेड। हाउ डज शाइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बेसानियो एंड एंटोनियो? तो ये भी 2000, एक ही पकड़ा गया है, कोई स्टोरी है, उसी से सारे क्वेश्चन उठा कर रख दिए हैं। एज अ हार्मलेस प्रैंक,
22 है. What reason does Antonio give for being sad in the opening scene of the play? He gives no reason. तो ये भी उसी में पूछा गया है. बहुत ही खतरनाक ये तो हो सकता है अगर एक ही पे एक ही स्टोरी से उठा के रख दिया जाएगा तो. Whom does Bassanio agree to bring with him to Belmont? Gratiano. How did Luz Long help Joski Owens? Luz Long advised Joshi to draw a line a few inches behind the board and aim at making his take off from there. इसके बाद नेक्स्ट है. Who plays the part of fool in the Merchant of Venice? तो लॉन्सलॉट गोबो ने प्ले किया था द मर्चेंट ऑफ वेनिस में फूल का पार्ट. वॉट फॉर्म ऑफ पोएट्री ला बेले डैमसेंस मर्सी ये बैलेड है. द लाइट ऑफ एशिया वॉज डिवाइडेड इन टू 8 कैंटोज. इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज आर द फॉलोइंग लाइन्स द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉपेथ एट द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइनें हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है मर्चेंट ऑफ वेनिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट म्यूजिकल पोएम एक्सप्रेसिंग द पोएट्स इमोशंस लिरिक. अब इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन. अ बुक रिटन बाय गार्डनर ऑन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ टाइम वॉज कॉल्ड बाय हिम प्रोफेट्स प्रीस्ट्स एंड किंग्स. ऑन बिग वर्ड्स is written by Guardian. Biography is the painting of portrait and it is impossible to paint them without a torch of art. Who said so? Philip Goudela ने बोला था ये. Wordsworth is known as poet of nature. Wordsworth is known as poet of nature. Dr. Aziz is a character of Passage to India. Shakespeare belongs to 16th century. अगला है philosophy is the highest music. Who said so? ऐसा किसने बोला है? Plato ने बोला है. Though this be madness, yet there is a method in it. Who said so? ऐसा Shakespeare ने बोला है. No laughing matter is a novel by. No Laughing Matter is a novel. Novel है Laughing Matter और किसके द्वारा है? तो Angus Wilson द्वारा है. Blindness 1929 is a book written by Henry Green. तो On His Blindness John Middleton की है लेकिन Blindness Henry Green की है. Pack My Bag is a creation of Henry Green. ये भी Henry Green की है. The Wild Gross Chase is a creation of Rex Warner. The Georgian A literary scene is a work by Frank Swinnerton. Who among the following is an intellectual figure of Bloomsbury Groups? Huxley. Next है Henrietta Richardson bought out her novel under the pseudonyms of Henry Richardson. Morris Guest. Is a work by H.H. Richardson. Morris Guest. Young Cosima is a work by H.H. Richardson. Who among the following was an advocate of woman movement? Sarah Grand. Ida is a novel by Sarah Grand. The Woman Who Did is a novel by Sarah Grand. तो ये इतने क्रिएशन थे. इसमें शेक्सपियर जो हम लोगों ने एकेडमिक्स में पढ़ रखे हैं हाई स्कूल और इंटर में आपने देखा बहुत सारा वेटेज टीटी में मिलता है. तो आप पहला काम यही करिएगा कि जितने भी ऑथर्स हैं जितने भी पोएट्स हैं उनकी जो लेसन्स के नाम हैं चैप्टर्स के नाम हैं उनको जरूर तैयार कर लेना क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आप लोग देख रहे हैं सारा हम लोगों ने जो पढ़ा था वही सब है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस और मर्चेंट ऑफ वेनिस जूलियस सीजर ये सारा हम लोगों ने पढ़ रखा है. बस उसको आपको रिवाइज करना है. तो इस पार्ट में इतना ही. थैंक यू.